हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद डीवी सर। बहुत सारे एसएसबी एस्पिरेंट, चाहे वो एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर रिजल्ट वेट कर रहे हैं या फिर भाइबा दे रहे हैं या फिर आने वाले वर्षों में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बहुत सारे बंदे चाहे फ्रेश हो चाहे एग्ज़ाम देने वाले हो, वो सारे के सारे बंदे व्हाट्सएप के जरिए हो गया, यूट्यूब के जरिए हो गया या फिर टेलीग्राम के जरिए पूछ रहे हैं कि एसएसबी लेक्चर का एग्ज़ाम पास होने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या प्रमोशन स्कील है, क्या क्या लीव की फैसिलिटीज़ है, पीएचडी का क्या क्राइटेरिया है, इन सर्विस पीएचडी का क्या क्राइटेरिया है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे बंदे पूछ रहे हैं। तो आज इसी वीडियो में हम उस सारे रूल्स, सारे सर्विस कंडीशन को बारीकी से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, विथ लेटर देखेंगे, विथ ऑर्डर नंबर देखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, इसीलिए अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उड़ीसा की तरफ से एक लेटर है जो कि डेटेड 2/12/2020 का है और ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का जो सर्विस कंडीशन वगैरह है उसके बारे में पूरे डिटेल में दिया गया है, सर्विस कंडीशन ऑफ एसएसबी रिक्रूट टीचर्स और लेक्चरर्स। ओके, तो इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ कुछ कंडीशन दिया गया है, ऐसे करके बहुत सारी कंडीशन है, हम सारे के सारे कंडीशन को वन बाय वन देखेंगे। तो पहला सर्विस कंडीशन दिया गया है कि ये जो पोस्ट है एसएसबी लेक्चरर का जो पोस्ट है, दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अगर हम उड़ीसा स्टेट की बात करें तो उड़ीसा स्टेट में दो प्रकार की कॉलेजेस ज़्यादातर देखने को मिलती है, एक है गवर्नमेंट कॉलेजेस और एक हो गया नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस। ओके, गवर्नमेंट कॉलेजेस मतलब गवर्नमेंट सब कुछ प्रोवाइड करेगी, ग्रांट से लेकर सैलरी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेगी, लेकिन नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है इसमें तीन कैटेगरी आती है। नॉन गवर्नमेंट में पूरे के पूरे प्राइवेट आ सकते हैं, पूरे के पूरे ग्रांटिनेट आते हैं जो कि ब्लॉक ग्रांट कॉलेजेस कहते हैं, और तीसरा जो है एडेड कॉलेज। ओके, जो एसएसबी रिक्वायरमेंट कर रहा है एडेड कॉलेज के लेक्चरर के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। ओके, ये एडेड कॉलेज एक प्रकार की गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर जैसे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पर जैसे कि एचआरए नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर एचआरए मिलेगा एम्प्लॉई को। ओके, तो ऐसे कुछ बेसिक डिफरेंस है, आगे चल के हम देखेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का लेक्चरशिप का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, इनको हम स्टेट एम्प्लॉई नहीं कहेंगे, ये प्योरली स्टेट एम्प्लॉई नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है दे आर नॉट स्टेट एम्प्लॉयज। ओके, ये एक स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसको हम एडेड कॉलेज का लेक्चर बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, देखिए 488 कैटेगरी का एडेड नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस। ओके, फिर दूसरा पॉइंट है, ये तो एक स्पेशल कैटेगरी हो गया, स्पेशल कैटेगरी के लिए एक कॉमन कैडर भी निर्माण किया गया है, उनका कैडर रूल बहुत अलग है, जैसे गवर्नमेंट वालों का कैडर रूल अलग है, इनका भी कैडर रूल अलग है, ये गवर्नमेंट वालों से इंटरफेयर नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट वाले भी इस कैडर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इनके लिए अलग सा कैडर है और ये नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का जो लेक्चर वगैरह है उनके लिए भी अलग से कैडर है। ओके, तो तीसरा है, इनको गवर्न कैसे किया जाएगा, कौन से रूल रेगुलेशन से इनको गवर्न किया जाएगा। तो नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का जो लेक्चर वगैरह है वो कौन से रूल से गवर्न होंगे, ना उड़ीसा एजुकेशन रूल जो है 1974 का, उसी के रूल के आधार से ये सारे के सारे गवर्न होंगे, उसी के रूल के आधार से आपको कितना पे मिलेगा, कौन सा अलाउंस मिलेगा, सर्विस कंडीशन क्या होगा, आप कैसे सर्विस बुक मेंटेन करेंगे, ये सारे के सारे इसी रूल के आधार पे ही मेंटेन होगा। फिर जो फोर्थ है सैलरी, इनका सैलरी कितना होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सैलरी कितना होगा। तो जो ORSP रूल कहता है 2017, उसी के आधार पे इनका जो कैटेगरी है एक्चुअल में 9300 प्लस 4600 ग्रेड पे, इसी कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। ओके, जिसका लेवल के हिसाब से हम अगर देखेंगे 2017 ORSP रूल के हिसाब से, तो ये लेवल 10 है पे मेट्रिक्स का और उसका बेसिक है 44900। ओके, इसके साथ आपको DA मिलेगा, अभी DA फिलहाल चल रहा है 31%, तो 44900 का 31% होगा लगभग
13,919 रुपया। तो लगभग आप टोटल करेंगे तो हो जाएगा 58,819। ओके, अभी जो ORSP रूल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी 44,900 बेसिक है। ओके, 44,900, उसके साथ DA जो है DA 31% है, जो लगभग होगा 13,919 रुपया। इसका हम टोटल करेंगे तो हो जाएगा 58,819 रुपया। इसमें से 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो टोटल हो रहा है 58,619 रुपया। ये आपके पॉकेट में डायरेक्ट आएगा अगर आपका NPS बना नहीं है तो, क्योंकि आप पहले पहले ज्वाइन करेंगे तो आपका NPS नहीं होगा। आप NPS अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके NPS नंबर आने तक कम से कम 3 महीना लग जाता है, 2-3 महीने तो पक्का लग जाएगा। ओके, तो आपके पॉकेट में इतना आएगा। लेकिन जिनके पास NPS नंबर पहले से है, जैसे कि कोई एम्प्लॉई पहले था और अभी ये जॉब में ट्रांसफ़र हो रही है, तो उनका पहले महीने से ही NPS कटेगा। NPS कैसे डिडक्ट होगा? तो हमारा जो ग्रॉस हो रहा है इतना हो रहा है, इसका 10% डिडक्ट होगा। NPS का 10% डिडक्ट होगा, जो कि लगभग होगा 5,882। ओके, 5,882 माइनस होगा तो लगभग, और हमारा 200 भी प्रोफेशनल टैक्स भी माइनस होगा, तो लगभग जिनका NPS कटेगा उनको 52,737 रुपया इन हैंड सैलरी मिलेगी। ओके, तो बाकी जो NPS नहीं कट रहा है, जब कटेगा, सपोज 3 महीने के बाद आपका NPS नंबर आ गया, तो ये जो 3 महीने का रह गया है, आप क्या करेंगे, 3 महीने का टोटल सैलरी का 10% कैलकुलेट करके उसको आप 12 इंस्टॉलमेंट में भी जमा करवा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सैलरी के बारे में। यहाँ पर नोट करने की बात है, यहाँ पर HRA नहीं है। ओके, फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अभी जो SSB लेक्चरर्स है उनको कहा जाता है स्टेट स्केल लेक्चरर्स, क्योंकि स्टेट जो स्केल डेवलप किया है, स्टेट का जो पे स्केल है, उसी के आधार पर उन लेक्चरर को सैलरी दिया जा रहा है। ओके, तो फिर है एक है DDO, जो कि कहा जाता है ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जैसे कि आपका प्रिंसिपल होगा, कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो ड्राइंग अथॉरिटी है, उन्हीं के आधार पे आपको सैलरी मिलेगी। ओके, तो वो ड्राइंग अथॉरिटी है DDO। फिर है 5 नंबर में प्रमोशन। प्रमोशन में क्या क्या होता है, कब कब आपको प्रमोशन मिलेगी, क्या वगैरह, ये सारे 5th नंबर की क्लॉज में दिया गया है। ओके, ये जो लेटर आप देख रहे हैं, ये लेटर को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप अच्छी तरीके से उसको देख पाए। ओके, तो ये जो है नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज का जो लेक्चरर है, वो तो प्लेसमेंट होता है SSB के द्वारा। SSB पहले एग्ज़ाम कर लेता है, एग्ज़ाम के बाद वाइवा करता है, वाइवा के बाद क्या करता है, जो फाइनल लिस्ट प्रोड्यूस करता है वो DHE उड़ीसा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उड़ीसा को मेल कर देता है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन क्या करता है, सारे कैंडिडेट को मेल करता है और चॉइस लॉकिंग करता है, चॉइस लॉकिंग के बाद उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। ओके, तो अपॉइंटमेंट देने के बाद उनका सर्विस बुक ओपन होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्विस बुक ओपन होता है। सर्विस बुक ओपन होने के बाद इनका HRMS ID बनता है, बिना HRMS ID के आपको सैलरी नहीं मिल सकती। तो HRMS ID बनता है, HRMS ID बनने के बाद आपको सैलरी मिल सकती है। ओके, तो सर्विस बुक और HRMS ID दोनों बनाना जरूरी है। तो ये हो गया बेसिक सर्विस कंडीशन। तो प्रमोशन कैसे होता है, तो पहले आप देखिए, आप जब पहले ज्वाइन कर रहे हैं, सपोज आप ज्वाइन कर रहे हैं मई में। ओके, मई को ज्वाइन कर रहे हैं, मई 2022 को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके एक साल बाद ओके, तो मई 2023 को आपका इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट मतलब एक साल के पूर्ति के बाद इंक्रीमेंट होता है, एनुअल इंक्रीमेंट इसको कहते हैं, एनुअल इंक्रीमेंट। ओके, एनुअल इंक्रीमेंट में क्या होगा ना, आपका जो सेल नंबर है, सपोज आपका जो सेल नंबर है, अभी आप पे मैट्रिक्स 10 में चल रहे हैं, पे मैट्रिक्स 10 में सेल नंबर 1 में क्या है, 44,900 है, तो आप सेल नंबर 2 को जंप करेंगे, सेल नंबर टू में कितना है, 46,200। एक साल में आपका इनका इंक्रीज होगा, ये है इंक्रीमेंट अमाउंट, जो कि लगभग 1,300 है। ओके, फिर तीसरे साल आपका सेल नंबर 3 में आप जंप करेंगे, जो कि है 47,600। आप इसका भी एक लेटर है, उसको भी आप, मैं
ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ओके, तो ये है बेसिक इंक्रीमेंट जो कि एनुअल इंक्रीमेंट सभी का होता ही होता है। ये है जो रिवाइज पे स्केल था 2017 का। ओके, इसमें ही सैलरी वगैरह कितना कितना होना चाहिए वो दिया गया है। और ये देखिए आप, ये गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का लेटर है। ओके, तो देखते हैं नीचे है इसका। ये है पे मैट्रिक्स। ओके, ये जो पे मैट्रिक्स है ये देख सकते हैं, पे बैंड 2 में हम इंक्लूड हो रहे हैं, पे बैंड 2। और इसका जो 4600 का है 10th नंबर का, देखिए। ओके, इसमें हम पहले ईयर 44,900 में है, फिर जब एक साल के बाद इंक्रीमेंट होगा तो 46,200 हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा तो ये 47,600 हो जाएगा, एक साल के बाद ऐसे ऐसे होते जाएगा ये। ओके, लेकिन जब प्रमोशन होगा तो यहाँ से यहाँ जंप होगा। लेकिन हमारा प्रमोशन कब हो रहा है, हमारा प्रमोशन पहला प्रमोशन हो रहा है 8 ईयर्स के बाद। ओके, 8 ईयर का सर्विस आप कंप्लीट करने के बाद आपका क्या होगा ना, आप लेक्चर से सीनियर लेक्चर में प्रमोट होंगे, सीनियर लेक्चर लेवल ए। ओके, सीनियर लेक्चरर लेवल ए में आप प्रमोट होंगे और ये जंप करेंगे आप सीधे यहाँ पर जंप करेंगे, 11 में नहीं सीधे 12 में जंप करेंगे, और ये हो जाएगा आपका 56,100। ये 8 साल बाद होगा। ओके, 8 आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर ऑफ सर्विस। ओके, फिर इसके 10 साल बाद 10 ईयर्स के बाद आप सीनियर लेक्चर से सीधे जंप करेंगे यहाँ पर। ओके, इस पे स्केल में जंप करेंगे, इसको कहा जाता है रीडर। ओके, रीडर तक आपका प्रमोशन होगा। तो पहले आप लेक्चर थे, फिर सीनियर लेक्चर बनेंगे, सीनियर लेक्चर के बाद रीडर बनेंगे। ओके, तो ये हो गया पे मैट्रिक्स। यहाँ पर भी वही दिया गया है, देखिए 8 साल में आप लेक्चर्स ग्रुप ए बनेंगे, फिर ये जो रीडर है, रीडर होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर्स। ओके, 10 ईयर्स के बाद आप रीडर बनेंगे, जो कि देखिए सैलरी दिया गया है कितना, 67,700। ओके, तो ये हो गया सैलरी और प्रमोशन के बारे में, ये हो गया सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो फिर है 6 नंबर, और 6 नंबर में सारे के सारे लीव के बारे में दिया गया है, आपको CL कितना मिलेगा, EL कितना मिलेगा, कम्यूटेटेड लीव कितना मिलेगा, मैटरनिटी लीव कितना मिलेगा, ये सारे दिया गया है। ये सारे लीव आपको मिलेंगे, कैजुअल लीव मिलेंगे, EL मिलेंगे, कम्यूटेटेड लीव मिलेंगे, मैटरनिटी लीव मिलेंगे। ओके, तो मैटरनिटी और पैटर्निटी भी मिलता है, जो मेल होंगे पैटर्निटी मिलेगा, जो फीमेल होंगे उनको मैटरनिटी लीव मिलेगा। मैटरनिटी लीव अभी ड्यूरेशन बढ़ गया है, इसका जो 90 लिखा हुआ है ये 90 से बढ़ के अभी 180 डेज हो गया है, मतलब 6 मंथ का हो गया है। ओके, इसका भी लेटर नंबर है, जिसका लेटर नंबर 6928 है, और ये 18 फरवरी 2022 का लेटर है। ओके, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया लीव के बारे में, और लीव तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, इसीलिए लीव के लिए एक स्पेशल हम क्लास करेंगे, लीव के लिए एक हम स्पेशल वीडियो डालेंगे, वहाँ पर कितना कितना लीव मिलता है, कैसे लीव अवेल होता है, ये सारे वगैरह हम देखेंगे। क्योंकि कैजुअल लीव तो इजीली आप जान पाएंगे, लेकिन जो EL वगैरह है, कम्यूटेटेड लीव वगैरह है, ट्रैवल लीव है, ये सारे के सारे डिटेल में हम उसी वीडियो में जानेंगे। ओके, तो चलिए 7th नंबर पॉइंट पर। 7th नंबर पॉइंट कहता है कि आपका सर्विस टर्म कितना होगा, 60 ईयर्स तक आपकी सर्विस रहेगी। ओके, 60 ईयर्स के बाद आपका रिटायरमेंट होगा। ओके, फिर इसके साथ साथ 2005 के बाद सारे आ रहे हैं, तो 2005 के बाद तो पेंशन बंद हो गया है, तो न्यू पेंशन स्कीम जो है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम जो है, उसी के आधार पर आपका NPS कटेगा, आपका खुद का 10% डिडक्ट होगा, गवर्नमेंट आपको 10% देगा, तो आपके अकाउंट में सीधे 20% पर मंथ डिपॉजिट होता रहेगा। ओके, फिर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ग्रेजुएटी का बेनिफिट, जो कि 8 नंबर का है। देखिए, अगर ग्रेजुएटी जो मिलता है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, ये क्या है ना, आपका जो लास्ट पे है, लास्ट पे जो होगा उसके इनटू 7.5 होके जितना अमाउंट होगा, इसको ये आपको मिलता है। ओके, और इसमें थोड़ा कंडीशन दिया गया है कि ये 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं तो आपको केवल डायरेक्ट 5 लाख ही मिलेगा, अगर आपका सैलरी इससे ज़्यादा हो रहा है तो। ओके, तो इसी के आधार पर कैलकुलेट होता है, तो आपको ग्रेजुएटी भी मिलेगी जैसे कि बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। फिर 9th है,
सर्विस कंटिन्यूटी का। सर्विस कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, एडेड कॉलेज में लेक्चर है और आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे के सिलेक्ट हो गए, तो यहाँ पर जो आप ईयर ऑफ सर्विस किए होंगे और ड्यू परमिशन लेके अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम दिया और उसमें रिक्रूट हो गए, तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर काउंट होगा, मतलब सर्विस कंटिन्यूटी आपकी आएगी। अगर आपने ड्यू परमिशन नहीं लिया होगा तो जिस दिन से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे उसी डेट से आपका सर्विस स्टार्ट होगा, नहीं तो अगर आपने ड्यू परमिशन लिया हुआ होगा तो आपका कंटिन्यूटी उसी डेट से होगा जिस डेट से आपने लेक्चरशिप के हिसाब से ज्वाइन किया होगा एडेड कॉलेज में। ओके, तो ये भी अच्छा बेनिफिट है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसको बाद में थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिर जो दसवां है सबसे अच्छा पॉइंट जो कि है, देखिए इन फ्यूचर अगर आपको कुछ हो जाता है ओके, तो आपके फैमिली के किसी एक को रिहैबिलिटेशन स्कीम में जॉब मिलेगी। ओके, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ओके, गवर्नमेंट जॉब का ये सबसे बड़ा बेनिफिट मैं मानता हूँ, क्योंकि रिहैबिलिटेशन स्कीम से क्या होगा, आपका फैमिली सिक्योर हो जाएगा। ओके, तो इसी में रिहैबिलिटेशन स्कीम भी है। फिर इलेवेंथ पॉइंट जो है, इलेवेंथ पॉइंट में यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। जैसे कि आप देखिए कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बार बार हमको NOC मांगना पड़ता है हमारी अथॉरिटी से, जैसे कि प्रिंसिपल से हो गया या फिर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो गया, लेकिन यहाँ पर साफ साफ मना किया गया है कि देखिए जो 14012 लेटर नंबर है डेटेड 19/3/2020 का, वहाँ पर डायरेक्टली बताया गया है कि आपको अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं फर्दर हायर पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो बार बार आपको NOC मांगने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया, नाइदर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट नॉट फ्रॉम द कॉलेज कंसर्न फॉर एनी टीचर टू अप्लाई फॉर अपियरिंग इन एनी अदर रिक्रूटमेंट एग्जाम और जॉब इंटरव्यू। ओके, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से NOC प्रोड्यूस कर देना चाहिए। ओके, क्योंकि NOC करे होंगे तो ऊपर में जो एक पॉइंट था क्या, सर्विस कंटिन्यूटी में काम आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता था नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, क्योंकि कोई अगर एब्रॉड जाना चाहता है, ओके एब्रॉड जाना चाहता है प्राइवेट पर्पस में घूमने के लिए या कुछ प्राइवेट पर्पस के लिए, तो ये भी हायर एजुकेशन से परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन एक लेटर आया है 2019 का और इसमें बताया गया है कि आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से एब्रॉड जा सकते हैं। ओके, इसमें कोई गवर्नमेंट की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके, तो ये जो हमने डिस्कस किया 1 से 12 तक लेकर सारे पॉइंट, ये सारे पॉइंट है सर्विस रूल्स फॉर SSB लेक्चरर। ओके, तो ये लेटर को मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर लूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।